हैरट अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी पीजीआई में बिजली की व्यवस्था अलग करने को सब स्टेशन बनाने का कार्य केस को नहीं अब यूपीपीसीएल करेगा। इस कार्य के लिए यूपीपीसीएल को 13.62 करोड़ से कम में ठेका दिया गया है। केस्को ने इस कार्य के लिए 13.62 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन यूपीपीसीएल ने इसे केस्को से कम राशि में बनवाने की पेशकश की और टेंडर मंजूर कर लिया गया। हैलट अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी पीजीआई को बनकर तैयार हुए करीब 9 महीने से ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अभी तक डेडिकेटेड लाइन इस ब्लॉक के लिए नहीं लगाई जा सकी। कई बार केस्को को इसके लिए प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने पत्र लिखा, लेकिन केस्को ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। डेडिकेटेड लाइन और सब स्टेशन के लिए जगह अलॉट होने के बाद केस्को के अधिकारियों ने सिर्फ एक बार जगह का निरीक्षण किया और उसके बाद 8 से 10 महीने का समय मांगा गया लाइन डालने के लिए। प्रोफेसर संजय काला से मिली जानकारी के अनुसार यूपीपीसीएल ने लिखित में दिया है कि आने वाले 5 महीनों के अंदर सब स्टेशन और डेडिकेटेड लाइन बिछाने का कार्य वो लोग पूरा कर लेंगे, साथ ही जो भी बिजली का अन्य काम बाकी रह गया है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। पीजीआई में 15 जुलाई से शुरू हुई ओपीडी और पूरे अस्पताल की बिजली हैरट अस्पताल से खींची गई केस्को की ही लाइन से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।